गीता का जो संदेश है, आज 5000 वर्षों बाद भी आधुनिक मानव के लिए इतना महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है। आज जिस प्रकार से इस युद्ध भूमि पर समाज ने विभिन्न प्रकार के बुराइयों के सामने जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस युद्ध में हमें उस महाभारत के कुरुक्षेत्र वाले युद्ध से इस प्रकार से प्रेरणा मिल सकती है। बार बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्धस्व, जो युद्धस्व है वह गॉड बॉर्न फिलोसॉफी नहीं। ये हमें विस्तार से समझाया कि कुछ लोग कहते हैं अरे आज हम जब विनायक नेशन के द्वारा विश्व में शांति का प्रसार का माध्यम बनना चाहते हैं, तब भगवदगीता में तो मानव बारंबार यही कहा युद्ध करो युद्ध करो। तो यह युद्ध कराने वाली, युद्ध को लोग प्रेरणा देने वाली इस पुस्तिका का आज क्या महत्व है? तो हमने कहा विस्तार से चर्चा की थी कि वह जो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध वो धर्म युद्ध था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समय का युद्ध वाला इसी श्लोक के साथ इसका आरंभ होता है। ये जो धर्मयुद्ध होता है हमारे बाकी जीवन में एवं मानसिक जीवन में, हमारे अंतःकरण में जो निरंतर युद्ध चल रहा है सत्प्रवृत्तियों और दुष्प्रवृत्तियों के द्वारा, जिससे सत्प्रवृत्तियां पौरों के समान माइनॉरिटी में रहती है और जहां दुष्प्रवृत्तियां पौरों के समान मेजोरिटी में रहती है, इनके बीच का जो युद्ध सतत चल रहा है उससे हमें अत्यधिक सक्रिय होकर के जीत के लिए हमें प्रयत्न करना है। उसी प्रकार से बाह्य समाज में भी है कि जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, जो सत्यवादी हैं, जो सत्य का पालन कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है आज के युग में, आज के समाज में। और क्या क्या भी है जो दूसरों का धन हरण कर लेते हैं, ऐसे लोग आज समाज में आगे बढ़ जाते हैं। और इसीलिए यह बड़ा आवश्यक है कि यह जो दुष्प्रवृत्तियां जो दूसरों की करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके विरुद्ध हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हम चुपचाप नहीं रह सकते और इसलिए जो लोग उसके लिए आवाज उठा रहे हैं उनका हमें सहयोग देना चाहिए और हमें भी उस युद्ध के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। हम अर्जुन के समान अपने आप को निश्चय बनाना चाहते हैं, जैसा अर्जुन कहता था अरे युद्ध करके क्या फायदा, इससे तो बहुत प्रकार से यह नुकसान होगा और यह होगा, उससे चाहिए कि चुपचाप बैठे रहें या साधु बन जाऊंगा। यहां तक कि अर्जुन ने कहा था श्री कृष्ण देव ने भगवान श्री कृष्ण ने पटकार करके कहा था उतस्व कषमलिदम विश्व समुपस्थितम अनागम अदृष्टम अश्वर्यम अभित्य कर्म अर्जुन लेकिन मास्तम पार्थ नहीं सत्य उपद्यते शुद्धम हृदय सौर्पण्यम तत्व देश परंतप। अर्जुन पूर्व खड़े हो जा, यह दुर्बलता हृदय की कुछ दुर्बलता को दूर करके खड़े हो जा, यह नामर्दांगी तुझे शोभा नहीं देती, नामर्द मत कर, हृदय की दूसरी गोलता को दूर करके खड़े हो जा और युद्ध कर। तो आज भी हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति है जो हम कई लोग निष्क्रिय हो जाते हैं और इसीलिए किसी विद्वान ने कहा कि सज्जनों की निष्क्रियता दुर्जनों की सक्रियता से ज्यादा भयंकर होती है और इसीलिए हमें अन्याय के विरुद्ध जब न्याय और अन्याय के बीच युद्ध चल रहा हो और जब दुष्ट व्यक्तियों के बीच में और सज्जनों के बीच में युद्ध चल रहा हो, सज्जनता और दुर्जनता के बीच युद्ध चल रहा हो, सत्य और असत्य के बीच में युद्ध चल रहा हो, धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध चल रहा हो, तो हमें न केवल धर्म का आचरण करना होगा, धर्म का पक्ष लेकर के अधर्म के विरुद्ध हमें युद्ध भी छेड़ना होगा। यह एक अत्यंत परम आवश्यक कार्य हो जाता है जो लोग समाज में रहते हैं। जो लोग सन्यासी रहते हैं उनकी बात अलग है, वे समाज के अंग होते
करते हुए भी उन्होंने अलग हथियार से अलग पक्ष अख्तियार किया, उनकी बात अलग है। परंतु जो लोग समाज में रहते हैं उनको उनका ये कर्तव्य हो जाता है अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करना, अधर्म के विरुद्ध लड़ाई करना, असत्य के विरुद्ध लड़ाई करना। और उससे यदि हमें कुछ बलिदान देना पड़े, यदि उसमें हमें कुछ त्याग करना पड़े तो उसके लिए हमें तैयारी होनी चाहिए। यह जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज जब हमारे समाज में इस प्रकार से दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं और भ्रष्टाचार बढ़ गया है, असत्य का पालन बढ़ गया है, कालाबाजारी बढ़ गई है, ऐसे समय में जबकि चारों ओर देखते हैं कि समाज में कई प्रकार की दुष्प्रवृत्ति आ गई है, उस समय यह सज्जनों का कर्तव्य हो जाता है कि वे एक साथ एकजुट होकर के इस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करें, नहीं तो जो अन्यायी है वे हावी हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या ये नहीं जानते थे कि लड़ाई का कितना दुष्परिणाम होगा, और वे ये भी जानते थे यदि यह युद्ध नहीं होगा तो फिर जो लोग अन्याय करने वाले हैं, अत्याचारी हैं, वे और भी अधिक बलवान हो जाएंगे और उससे जो संसार का अत्यंत अधिक नुकसान होगा उससे यह नुकसान जो है वह कम होगा। जबकि साधारण लोग शांति से रह नहीं पाएंगे, सुरक्षा पूर्वक रह नहीं पाएंगे, जहां पर कि राजा की स्वयं की जो राजा लोग थे पांडव उनकी पत्नी जहां सुरक्षित नहीं दिन के समय में तो बाकी की क्या अवस्था हो सकती थी। यदि उन लोगों को इस प्रकार से छूट मिल जाती तो ये बड़ा आवश्यक था उन पर रोक लगाई जाए और उन गौरवों का उन दूसरे लोगों का निधन किया जाए, और इससे भी यह आवश्यक था कि सज्जनों को एक साथ जुटा करके युद्ध के लिए प्रेरित किया जाए। ये तो इतिहास की बात होती है। आज भी हम यही बात देखते हैं कि इन सज्जनों पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, जो सत्य का पालन करने पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जबकि चारों ओर इस प्रकार का वातावरण फैल गया है कि जो सत्य का पालन करते हैं उनको किसी प्रकार का सम्मान मिलने की बात अलग है, लोग यहाँ तक की उसकी निंदा भी करते हैं। यहाँ तक की एक व्यक्ति ने पुस्तक लिखी है कलयुग मार्ग, जहाँ पर भी उन्होंने कहा कि वे इस सरकारी बहुत बड़े सरकारी डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, सरकारी एक ऑफिसर थे, एक डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर थे, और उन्होंने निर्णय किया था कि मैं सत्य का पालन करूंगा, सच बोलूंगा और कभी मैं घूस नहीं लूंगा। यह उन्होंने निर्णय किया था और इसीलिए वे सत्य का पालन कर रहे थे। तब उनके जितने सहपाठी थे, उनके जितने कलीग्स थे, उनके जो बॉस थे या उनके साथ और काम करने वाले थे, ये सब उनकी मजाक उड़ाया करते थे। अरे आज के जमाने में ये सब नहीं चलेगा, ये तुम्हारा मंत्र जो है सत्य में जयते, ये तो पुराना मंत्र है, नया मंत्र है असत्य में जयते। जो असत्य का पालन करेगा वही आगे बढ़ेगा, और इसलिए उन्होंने कहा बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बनो, ये तुम्हारा ये आइडियोलॉजी अभी नहीं चलेगा, व्यवहारिक व्यवहार शुरू करना पड़ेगा, जो व्यवहार में होता चलना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम लोग केवल के नीचे से पैसा लेते हैं, ले हो नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे और बाद में पछताओगे। और तब उसको बारंबार यही सलाह दी गई और उसको उसकी मजाक भी उड़ाई गई, ये देखो देखो ये हरिश्चंद्र की पूछ आ गई, उसका नाम दिया था हरिश्चंद्र की पूछ। इस प्रकार से उसकी निंदा करते थे, और तब उसने ये सोचा कि लोग कैसे सत्य में जैसे हमारे उपदेश में भी लिखा, हमारा राष्ट्र का यह सिंबॉल भी है सत्य में जैसे, तो सत्यों में क्या सत्य की जय होती है या असत्य की जय होती है? तो उन्होंने लिखा चारों असत्य की जय हुई, वो उनकी सब मजाक उड़ा रहे हैं, और जो लोग असत्य का पालन करते हैं लोग उनको बहुत सम्मान देते हैं। वो ये नहीं देखता कि किस प्रकार से रुपया लिया, वो तो यही देखते हैं कि कौन कैसी किस प्रकार मॉडल की कार में जा रहा है, किसने किस मॉडल का मोबाइल रखा है, सब यही देखते हैं किसने किस प्रकार के मकान किस प्रकार के बंगले में रहते हैं। जो अच्छे बंगले में रहते हैं, अच्छी गाड़ी चलाते हैं, उनको ज्यादा सम्मान दिया जाता है, हर एक जगह जो पैसे वाले उनको सम्मान दिया जाता है। समाज में वही जो प्रतिष्ठित कहना है वो ये नहीं देखता कि उसने ब्लैक मार्केटिंग किया है या बस घर चोरी करता है, इनकम चोरी किया, वो यही देखता, केवल इतना ही देखते हैं कि कौन कितना सम्मान है।
जो जितना धनवान है उसको उतना सम्मान मिलता है, चाहे किसी प्रकार से धन उसने अर्जित किया। ये उसने अपनी नजर से देखा, तब उसको ये संशय हुआ कि संस्कृत में क्या सिद्ध जैसे है। तो उसने रिसर्च किया, 25 साल तक रिसर्च करने के बाद उसने ग्रंथ निकाले, दो ग्रंथ निकाले, तीसरा ग्रंथ निकलने वाला मुझे पता नहीं मिला निकला कि नहीं, पर दो ग्रंथ मैंने देखे, गुजरती कलम है, गुजराती में है और कलयुग मार्ग, कलयुग मार्ग जो किताब उन्होंने जब राजकोट से प्रकाशित की तो मुझे बुलाया था उसको रिलीज करने के लिए, तब मुझे पता लगा उस ऑफिसर के बारे में। तो वहां उन्होंने और कुछ नहीं किया, दोनों पुस्तकों में उन्होंने प्रारंभ में भूमिका में लिखा है, हर एक किताब में लिखा जाता है कि यहाँ पर जो जितने पात्र हैं वो काल्पनिक पात्र हैं, मैं जोर करके लिखता हूँ एक ही पात्र काल्पनिक है, जितने कहानियां की है ये सभी पात्र जीवित हैं, उनके साथ आपको मिला सकता हूँ, केवल मैंने नाम पर बदला है और हर एक पात्र के साथ आपको मिला सकता हूँ, सभी सच्ची घटनाएं हैं और एक के बाद एक घटनाएं वहां पर दी है कि यह जो उन्होंने 25 साल की रिसर्च करके बताया इन्हें सत्य नहीं जय कैसे। एक मात्र पहली कहानी बताई, पुलिस ऑफिसर थे, ये पुलिस ऑफिसर ये समझेगा पुलिस ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो तो पुलिस ने ऐसा बोलते हैं जो कि भ्रष्टाचार को रोकने का काम होना चाहिए। ये पुलिस ऑफिसर ने ये कहा कि भाई हम तो प्रैक्टिकल बनेंगे, जिस तरह पुलिस ऑफिसर बनते ऐसे करेंगे, और ये जो गवर्नमेंट के दूसरे ऑफिसर थे उनकी बहुत मजाक उड़ाया करते थे, तो ऐसे कह गए देख जो अभी स्कूटर चला रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा बंगला देख लिया और तेरा मकान देख टूटा फूटा, उसको सोच तेरी पत्नी और बच्चों के बारे में सोच, उनका क्या होगा ये सोच। और उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो प्रण लिया मैं इसी प्रकार से रहूंगा। और ये पुलिस ऑफिसर ने बहुत बच्चों को उसकी मजाक उड़ाई और सचमुच में उसने देखा उसको लोग बहुत सम्मान देते थे और उसने बहुत सारा लोग का इस प्रकार से टेबल के नीचे से लेकर के या बहुत प्रकार के केस से लेकर के लिया और ये प्रमाणित कर दिया कि असत्य में जय। और ये बेचारे रह गए ऐसे के ऐसे बोले, अब वो अच्छी स्कूल में एडमिशन भी नहीं लगा क्योंकि सभी जगह डोनेशन लिखा है, तो उन्होंने एक साधारण स्कूल में उनके बच्चों का एडमिशन करवाया जिसने बहुत एकदम इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराया दोनों बच्चों का। तो पहले से लेकर आखिर तक यही देखा गया असत्य में जय, असत्य का ही जय होता है आखिर तक देखा गया। और ये पुलिस ऑफिसर था उसको बहुत मजाक उड़ाने करा, देखा आपको तो मान लिया असत्य में जैसे एक मेरी हालत है तेरी हालत है, ये तो एक ही केस है, ऐसे बहुत सारे केस उसने दिए हैं, एक साथ ने किसी बहू पर अत्याचार किया था, ये सब और साथ किस प्रकार से आगे बढ़ती है बहू को अत्याचार कर करके, सभी प्रकार के ऐसे केसेस दिए। फिर क्या होता है 25 साल बाद, 20-25 साल से पैसे चला, उसके बाद में क्या हुआ, ये जो इनका जो लड़का था उसको तो पैसा बहुत मिला था बाप के पास से, तो उसका काम नहीं था पैसे कैसे खर्च कर, ये कितना लाता था उसको खर्च करने का काम ये लड़के का था, लड़का कैसे खर्च करेगा, कितना डोसा खाएगा, इडली खाएगा, कितना वो पाव भाजी खाएगा, वो खा खा के कुछ ये बहुत ही उसमें उसको लगा कि इसमें तो कुछ है नहीं, तब वो ड्रग खाना शुरू किया और ड्रग में जरा ज्यादा मजा, तो ड्रग एडिक्ट बन गया लड़का, ड्रग एड बन गया, रोज उसको नया नया ड्रग चाहिए, हीरोइन चाहिए बहुत नए, उसके लिए अब पुलिस ऑफिसर को दिन रात परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि पहले लाखों का लाता था, करोड़ों का घोटाला करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको ड्रग एड लड़के का लड़के ड्रग पूरा करेगा, लड़का ड्रग एड हो गया, जब ड्रग एड बन गया तब उसको बाप जब नहीं देता है तो उसको खुद को चोरी करना पड़ा, अब बाप पुलिस है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है पुलिस पुलिस की पहचान है, तो उसने फिर चोरी करना भी शुरू किया, वो डकैती करना भी शुरू किया, ड्रग एडी बन गया, मैंने सभी लक्षणों में पास, एक ही लक्षण बाकी नहीं रहा लड़के का, और लड़की वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई मॉडल लड़की फैशन करने वाली, जैसे ही ये ससुराल में 6 महीने के अंदर वापस आ गया, 6 ही महीना लगा, उसके बाद में ससुराल का भाई रिजेक्ट कर दिया, दिखने में जितनी सुंदर है उतनी दुर्गुणों में भी उतनी पक्की है, इसलिए मेहरबानी करके तुम अपने से वापस जाओ। अब लड़की जब वापस आ गई मायके में आ गई तो सभी लोग बोले लगे देखो देखो लड़की वापस आ गई, तो ये जो समाज वाले जो अभी तक पुलिस ऑफिसर का बहुत वाहवाही करते थे उनकी जब निंदा होने लगी तो जो पुलिस ऑफिसर की वाइफ थी उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, बीपी हाई हुआ,
और ये सब निंदा सुन सुन करके उनके जो प्रॉब्लम शुरू हुए तो मेडिकल का बिल आना शुरू हुआ, तो अभी ये ड्रग एजेंट का प्रॉब्लम था, अभी ये लड़की वापस आए उसको पैशन के लिए रोज रुपया चाहिए और ऊपर से ये मेडिकल का बिल, तो उसके लिए और उसको ज्यादा भ्रष्टाचार करना पड़ रहा था, तो उसे दिन रात वो जो परिश्रम किया उसके कारण उसको खुद को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, पुलिस ऑफिसर को खुद को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, वाइफ को भी हार्ट का प्रॉब्लम और वाइफ को ब्लड प्रेशर भी था, और इस प्रकार से धीरे धीरे करने करके ऐसा हो गया कि वो चीजों पेड़ बन गई, केवल हार्ट का प्रॉब्लम नहीं रहा, मेंटल पेशेंट बन गई वाइफ, वो आकर के सभी को हिंसा तो जोर जोर हंसी थी, उधर आश्चर्य के तो एक दिन वो पुत्र कह गए थे इस प्रकार से पागल के समान हंसने लगी, तो उसको उसने दूसरे कमरे में तुरंत बंद कर दिया कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ पंखा है, यहाँ पंखा है, इस प्रकार से ये पता पड़ा वो तो चीजों प्रेरित हो गई, वाइफ चीजों प्रेरित हो गई, लड़की आदि पागल और ये लड़का ड्रग एडिक्ट और पुलिस ऑफिसर को हार्ट का प्रॉब्लम, और तब जा सके और इससे ये ऑफिसर तब तक में उन्होंने रिटायरमेंट किया, उनका लड़का इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा था, ऑर्डिनरी में पढ़ा था, परंतु बहुत ही सुलक्षण उसे दिखाई बड़े संस्कार पाए, तो वह भी अपने दिखाई समान बहुत कड़ी मेहनत करता था, जिसके कारण वह एंट्रेंस में पास हो गया, इंजीनियरिंग पास किया, उसको अच्छी परमानेंट नौकरी मिल गई सरकार की, लड़की भी पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हुई, ससुराल में गई, वो ससुराल में उसकी इतनी भावना उनके इस प्रकार की भौगोलिक शक्ति थी, तो वह भी ससुराल में बहुत अच्छी सो गई, उसकी प्रशंसा होने लगी और 25 साल बाद ये देखा गया सत्य में। इस प्रकार की बहुत सारी कहानियां सत्य घटना पर आधारित उन्होंने लिखी और यह प्रमाणित कर दिया कि आज के युग में भी सत्य मिल जाए। कहने का मतलब यह है कि यह तो उन्होंने सत्य पर बाहर के सभी लोग तो इतने सारे 25 साल 20 साल तक रिसर्च करने का उनको रैली है और इसलिए वो यही सोच रहे कि भाई जो कुछ दिखता ही नहीं, जो कुछ ही हो आज के युग में भी यह जो धर्म के विरुद्ध अधर्म के विरुद्ध लड़ाई, असत्य के विरुद्ध लड़ाई, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई की बहुत आवश्यक है, इसलिए भगवद गीता का यह संदेश कि हमें युद्ध करना पड़ेगा, आंतरिक जीवन में भी हमें युद्ध करना पड़ेगा, अपने मन के साथ युद्ध करना पड़ेगा, बाह्य जीवन में भी हमें अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा। इस प्रकार से यह जो भगवान श्री कृष्ण ने भले 5000 वर्ष पूर्व संदेश दिया हो पर वह संदेश आज भी उतना ही महत्व है, क्योंकि मानव का मन वही है। आज से 5000 साल पहले काम क्रोध लोभ वो बहुत मत्सर के द्वारा जो मन इस प्रकार से समुचित होता था, आज भी वह मन उसी प्रकार से समुचित होता है। नीति और जिस प्रकार से उस समय के जमाने में अत्याचार होते थे, इसी प्रकार से आज भी हम देखते हैं समाज में अच्छे लोगों पर अत्याचार होते हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी इतना महत्वपूर्ण है, उस पर हमने विस्तृत चर्चा की और साथ साथ हमने श्रीमद् भगवद्गीता के प्रारंभ में जो श्लोक आते हैं ध्यान संबंधी श्लोक और उनके जो श्लोक है उनके महात्म्य के संबंध के श्लोक, इन श्लोकों की जिनकी आकृति हम प्रत्येक सप्ताह के चर्चा के प्रारंभ में करते हैं, इससे करने के लिए हमने कहा था कि इन श्लोकों की पुनरावृत्ति करने से हमारे मन में हमारे हृदय में श्रीमद् भगवद्गीता के संदेश के प्रति भगवान श्री कृष्ण के संदेश के प्रति श्रद्धा का उदय होगा और जितनी मात्रा में श्रद्धा का उदय होगा उतनी मात्रा में हम उस संदेश को अभी अच्छी तरह हृदयगम कर सकेंगे और उसका पालन करके हम अपना जीवन सफल कर सकेंगे और उस जीवन को हम उसका अति अच्छा लाभ उठा सकेंगे हमारे जीवन में। तो यह जो भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी कि आधुनिक मानव में कितना उपयोगी है और इन श्लोकों के लिए हमने अर्थ को जानने का प्रयत्न किया था और फिर हमने 4 अध्यायों की चर्चा समाप्त कर दी थी। 5वें अध्याय की चर्चा चल रही है जहाँ पर भी 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गरीब हस्ती श्री शैव सपा के
पंडित का समदर्शन ज्ञानी के विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण ने तथा दो हाथी कुत्ते और चाकर के ही संभाव से देखने वाले होते हैं। तो यह तो एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो गवाह होता है, उसको भी तो उसने कोई प्रेम नहीं दिया। तो ये गवाह और यह जो ज्ञानी है, ये क्या दोनों एक नहीं? जैसा कि लोग स्वामी विवेकानंद समझाते हैं, प्रकाश की मात्रा जो बहुत अधिक रहती है तो हमारी आंखें चौड़ियां जाती हैं, हम नहीं देख सकते उसी प्रकार से। और जब अंधकार जब बहुत प्रकाश कम रहता है तब भी नहीं देख सकते, तो दोनों अवस्थाएं समान है। उसी प्रकार से यह जो ज्ञानी है वह उतना ऊपर उठ गया है कि उसको सभी जगह समझ संभव, जो सभी जगह उसी ब्रह्म का ही लक्षण उसे दिखता है, वही एक ब्रह्म का दर्शन सब जगह होता है। तो इसलिए उसमें दूसरे संभाव आ जाता है। और दूसरा एक व्यक्ति है जिसको जो इतना गवान है, जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि कौन पढ़ा है कौन छोटा है, ये दोनों एक ही है। यदि भी बात किसी में लगता है यह व्यक्ति भी जो सबको सबके भीतर है उसी एकत्व को देखता है, तो ये साम्य स्थिति है। वह जो साम्य स्थिति एक ज्ञानी की और एक अज्ञानी की, उसके इस श्लोक ने विस्तृत चर्चा की थी किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी सभी जगह उस ब्रह्म को ही देखता है। सर्व कविदम ब्रह्म, यह जो सर्व कविदम ब्रह्म ईशा वासनिदम सर्वम यदि जगत क्या जगत तेना शक्ति ने भूमिका महाग्रह प्रसिद्धनम, यह जो वेदों की वाणी सभी जगह ऐसी ब्रह्म है जिसका जिसका की आधुनिक विज्ञान ने जिसको प्रमाणित कर दिया, मॉडर्न साइंस के आधुनिक विज्ञान ने उसको प्रमाणित करके दिखा दिया कि सारा विश्व एक ही परम चैतन्य तत्व से, एक ही परम चैतन्य तत्व से व्याप्त है, एक ही परम चैतन्य तत्व सभी जगह व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। और इसलिए स्वामी ने जितना कॉन्शियसनेस सिंगुलर अपनी जो थोड़ी जन्म वो एक परम चैतन्य तत्व है। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की किस प्रकार से आधुनिक विद्या ने भी वेदांत की बात को स्वीकार किया है, परंतु जो ज्ञानी जन है वे अपने जीवन में इस अनुभूति को रखते हैं और सभी जगह वो एक ही ब्रह्म को देखते हैं और इसीलिए वो इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो समभाव से सबको देखते हैं। चाहे पशुओं में सबसे अधिक पवित्र मानते, सबसे अधिक जिसको पूज्य मानते वो गाय, और फिर एक तरफ एक और है कुत्ता, उसको हम लोग एक निकृष्टता की दृष्टि में देखते हैं, उसके बीच में हाथी, चाहे हाथी हो चाहे कुत्ता हो चाहे गाय हो, वो जो समुद्र संप्रचित वाला वह जब सभी जगह एक ही ब्रह्म को देख रहा है उसमें वो भेदभाव नहीं रहेगा। उसी प्रकार से ये चांडाल हो चाहे ब्राह्मण हो, तो सभी के भीतर में वह जो ज्ञानी है वो नहीं है। क्यों? उसको सभी एक सभी जगह वही एक ब्रह्म तत्व दिखता है, तो उस वो ब्रह्म ज्ञानी के लिए ये सभी समान हो जाते हैं। इसकी हमने विस्तृत चर्चा की थी, परंतु यह जो एक ज्ञानी जो सभी जगह उसके लिए भेदभूति नहीं है और एक जो अज्ञानी वो भी भेदभूति ये रखता है उनको भी सबने एक समान मान, ये दोनों में क्या भेद है सचमुच में? इसके लिए उसको समझाते हुए कहते हैं भगवद गीता के अगले श्लोक में, इहैव ते मित्रो सर्वे येषां साम्येषितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि केशिता। येषां मन जीवा मन 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 साम्य साम्य मन समग्र भाव में सिद्ध सिद्ध है, कई कई मने उनके द्वारा यह इस एक अवस्था में एव कि सर्ग मान संपूर्ण संसार जीव जीत लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष निर्दोष है और समम है सम है, तस्मा इससे के माने वे ब्रह्म ही सीधा सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं कि नहीं तो तेरे इधर सबको ईशान सामने स्थित मनना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणि देशिका, जिनका हम समग्र भाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही। यह सबसे महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर है ईय, माने यहाँ, यहाँ माने क्या? यहाँ माने इसी जगत में, इसी संसार में और इसी जीवित अवस्था में। यह जो एक प्रकार की विद्वानों के बीच एक प्रकार का विवाद चलता है,
कि जब ब्रह्म का दर्शन हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसके बाद में वह समाधि अवस्था में चला जाता है कि कोई जीवित नहीं रहता, बस फिर वो साधारण जीवन व्यतीत नहीं करता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जहाँ ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, फिर वो मनुष्य रूप से रह नहीं सकता। और दूसरा एक पक्ष कहता है, नहीं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वह इस जीवित अवस्था में रहता है और जीवित अवस्था में ही उस ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी के समान व्यवहार करता है। दो अलग अलग पक्ष। तो यह मानो यहाँ पर यह प्रमाण है, यह श्लोक इस बात का प्रमाण है, जीवन मुक्ति अवस्था की, जीवन मुक्ति अवस्था क्या है सिर्फ में, तो इसका प्रमाण यह श्लोक है। तो यह सती हाँ, जीवित अवस्था में ही उस ब्रह्म का दर्शन हो सकता है, बाद में जीवित रह सकता है, इसी को कहते जीवन मुक्ति की अवस्था। मुक्ति होने के बाद भी जीवन जीवित अवस्था में ही मुक्ति, दो प्रकार की मुक्ति, एक है विदेह मुक्ति मरने के बाद मुक्ति, दूसरी है जीवन मुक्ति, जीवित रहते रहते मुक्ति का अनुभव, उस ब्रह्म का अनुभव। तो क्या यह है, तो भगवत गीता का यह मत ही है, जीवित रहते रहते इस जीवित अवस्था में ही उसने वो ब्रह्म का दर्शन कर लिया है, उस मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, जिनका हम समत्व भाव स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में, जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म व ब्रह्म निर्दोष असम है, इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित है, क्योंकि यह भी संभाव में स्थित है, ब्रह्म भी संभाव में स्थित है, वे भी संभाव में स्थित है, इसीलिए वे ब्रह्म में स्थित है, और इसलिए जीते जीते ही वे उस ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करेंगे। न प्राप्य सीधा। तो इसमें वो जो परम्ञानी कहा रहा, कहते हैं प्रिय, प्रिय को अगर जिसको लोग भी समझते उसको प्राप्त प्राप्त होकर न प्रवश्य हर्षित नहीं होते, अप्रिय अप्रिय तो अगर जिसको लोग अपनी समझते उसको तो वहां कहा था, रूप को प्राप्त होने के बाद
सेवा नहीं होता और सुख को प्राप्त करने के बाद वह हर्षुल हर्षित नहीं होता तो यह मानव जीवन प्रति के लक्ष्य यहाँ भी जो ब्रह्म में स्थित है वही सीधा प्रति दो एक ही वस्तु है पर यहाँ पर उसको अलग प्रकार से वहां का सुख और दुख सुख और दुख क्या है ये पद प्राप्त होती है हम कोई कार्य करते हैं तो हमको क्या होता है या सुख होता है या दुख होता है तो सुख मिलने से जो हर्षित नहीं होता और दुख मिलने से जो उद्वेगवान नहीं होता वो हर्षित करके उसे लक्षण होता है अब यहाँ पर सुख और दुख मिलना प्रिय और अप्रिय और सचमुच हम देखें कि सुख का कारण क्या है जब हम जो अच्छी वस्तु हम जिसको अच्छी मानते हैं तो वस्तु है मनुष्य वो हमें प्राप्त हो जाए तब सुख होता है तो सुख का कारण है प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति और दुख का कारण है अप्रिय जब प्राप्त होता है तो हमें दुख होता है हमें अभी गर्मी के दिन में जब गर्मी ज्यादा लगती है तो वो अप्रिय है तो अप्रिय को प्राप्त होकर के हमको दुख होता है पर क्यों दुख हुआ तो अप्रिय लगा अभी हमको ठंड प्रिय लगती है ठंड मिली हमको सुख मिलता है तो सुख और दुख ये फल है कारण प्रिय और अप्रिय तो यहाँ पर कारण जो लेकर के कहा गया कि प्रिय को प्राप्त करने के बाद भी जो हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त करके जो दुखी नहीं होता वही वह ब्रह्मविद है वहां पर कहा चित्तप्रज्ञ या ब्रह्मविद पर एक ही बात वही परम स्थिति की प्राप्ति या सामान्य स्थिति प्राप्त हुई पर यहाँ प्रिय और अप्रिय को लेकर के तो पहले का मतलब हम कैसे समझेंगे कोई ब्रह्मविद बन गया जो प्रिय पर प्राप्त करके हर्षित नहीं होता अप्रिय को प्राप्त करके दुखी नहीं होता उसको हम कहेंगे कि वह ब्रह्मविद कुछ लोग उसको दूसरे प्रकार से कहते हैं ऐसी बात नहीं जो इस प्रकार से प्रिय को जो हर्षित तब समझेगा प्रिय से हर्षित नहीं होता और अपने को प्राप्त करके जो दुखी नहीं होगा वही ब्रह्म को बन सकता है मानो ये साधना की दृष्टि है तो कहने का मतलब हमको जब प्रिय कोई वस्तु मिले तो हमें संशित नहीं होना चाहिए और यदि अप्रिय वस्तु मिले तो अधिक उद्विघन नहीं होना चाहिए इस प्रकार की साधना यदि हम करते हैं तब जाकर के ब्रह्मविद बनेंगे यह एक पक्ष रहा एक प्रकार के लिए दूसरे जो कहते नहीं ब्रह्मविद जो बन गया उसके लक्षण ये है कि प्रिय से अच्छी से होगा अप्रिय जिस प्रकार से बने जो भी होगा ये दोनों बराबर है यदि ब्रह्मविद होगा तो प्रिय से अच्छी नहीं होगा अप्रिय से दुखी यदि प्रिय से अपने दुखी अक्षित न हो अप्रिय से दुखी न हो इस प्रकार की साधना करें तब ब्रह्मविद बने तो वैसे कोई भी ले तो कहने का मतलब प्रिय को प्राप्त होकर के अच्छी न हो अप्रिय को प्राप्त होकर के विद्वान न हो ऐसा श्री गुरु संशय रही ब्रह्म जगह पुरुष सच्चिदानंद परमात्मा में एक भाव से निर्देशित है और ऐसा जो निर्देशित है उसको फिर वो ऐसा जो निर्देशित है उसको फायदा क्या होगा लाभ क्या होगा दोनों में संभव है तो लाभ क्या होगा कहते हैं बाल्य स्पर्शे व सत्कात्मा विद्वत ज्ञात यशम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय बाह्य स्पर्शेषु बाहर के विषयों में अथवा सांसारिक भोगों में आसक्ति रही असक्त आत्मा अंतकरण वाला पुरुष बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा असक्त आत्मा माने आसक्त रही अंतकरण वाला पुरुष असक्त आत्मा आसक्ति अनासक्ति असक्त आत्मा माने जिसको आसक्ति नहीं है ऐसा पुरुष बाह्य स्पर्श जिससे आसक्ति नहीं बाहर के विषयों में तथा सांसारिक भोगों में जिससे आसक्ति नहीं ऐसा पुरुष आत्मनी अंतकरण में यश माने जो सुखम भगवत ध्यान में जो आनंद है सुख जो है तब उसको विद्वति प्राप्त होता है सब माने वह व्यक्ति ब्रह्म योग युक्ता सच्चिदानंद परमात्मा योग में एक ही भाव से स्थित हो जाता है तो ब्रह्म योग ब्रह्म सचिदानंद परमात्मा वह जो ब्रह्म योग युक्तात्मा उस परमात्मा योग में
ब्रह्मा उसका नहीं, ब्रह्म योग इसका। कहने का मतलब जो पर ब्रह्म योग है, परमात्मा योग है, इसी भाव से सजा है। यह जो मिलन है पर ब्रह्म परमात्मा का मिलन, उसमें वह एक ही भाव से स्थित रहता है। अक्षय अक्षय मन जिसका कवि शैली होता, सुखम आनंद को अक्षुले अनुभव करता। तो फायदा क्या विचार, सबसे पहले कोई भी चीज बोलते हैं तो फायदा क्या होगा पहले बताओ। तो ये फायदा बताते भगवत गीता में, यह जो एक ही भाव से सिद्ध हुआ, प्रिय में हर्षित नहीं होगा और अप्रिय में दुखित नहीं होगा। अरे भाई तो उससे हमको क्या लेना, हमको तो आनंद चाहिए। तो उसने कहा जो वह जो आनंद मिलता है विषयों के सहयोग से, वह आनंद वह जो है वह परमानेंट नहीं, वो अक्षय ही क्षय वाला क्षणिक। व्यक्ति जो ब्रह्म योग युक्त आत्मा ब्रह्म में स्थित है, एक ही भाव में स्थित है, जिसने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली, तो उसको क्या मिलता है, उसको क्या फायदा होगा? अरे उसको अक्षय आनंद मिलता है। ये उसको ऐसा नहीं वो घाटे में रहता है, अरे भाई मुझे आनंद भी छोड़ दिया, सुख भी छोड़ दिया, दुख भी छोड़ दिया, अरे घाटे में रहे पैसे हमारा चला गया, दुख चला गया उसका हमें आनंद है, पर हमारा सुख भी चला गया ना। नहीं, वो जो सुख गया वो क्षणिक सुख था, मिला क्या अक्षय सुख, सुखम अष्टुभिः। अक्षय सुख को वो प्राप्त होगा। कौन सा अक्षय सुख? जो बाहर से मिलने वाला अक्षय सुख नहीं, बाहर से मिलने वाला सुख कभी अक्षय नहीं हो सकता, उसको बाद में वो बताएंगे समझाएंगे भगवान श्री कृष्ण। परंतु यह जो आनंद मिलता है भीतर से, वो आनंद कैसा है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई उसका आनंद नहीं कर सकता। बाहर का आनंद बिगाड़ सकता है, बाहर का आनंद है मान लीजिए अगर पंखा चल रहा है आनंद मिल रहा है। अब एक किसी बोर्ड ने निश्चय किया कि आज सब लोगों को परेशान करना है, बंद कर दिया लाइट, ठीक है, इतना आनंद मिल रहा था सुबह हो। परंतु भीतर में हमको जो आनंद मिल रहा है ध्यान का, जीव की मजा से ही वो हमारे ध्यान बंद, किसी की मजा से, क्यों वो भीतर से आ रहा है और इसीलिए वो अक्षय मजबूत है, उसका क्षय नहीं होता। क्षय किसका होगा? जो बाहर का आनंद, उसको कोई भी बुला सकता है। हमारे बाहर का आनंद इस बात पर निर्भर है, यदि हमको मान लो अभी पंखा का आनंद मिल रहा है तो पंखा को जीव के ऊपर आधारित है, और फिर नहीं होगा तो बोले नहीं कि हम लोग उसको उसका भी हमारे पास इलाज है, हम जनरेटर में है, जनरेटर के लिए केरोसिन चाहिए, केरोसिन नहीं मिल रहा है, अच्छा डीजल चाहिए, डीजल नहीं मिल रहा है, अच्छा वो भी लाए उसका भी दाम बढ़ गया, फिर भी लाए तो बोले अभी वो थोड़ा सा रिपेयर करना पड़ेगा, तो आज ये मेरी गरीब आदमी शौक कर। तो कुछ भी प्रकार से हमारा आनंद कितने प्रकार से वो हमको उससे हम वंचित हो सकते हैं, परंतु जो भीतर का आनंद है सुखम अक्षय मसूर, वो अश्रुदे प्राप्त होता है। ऐसा अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता ऐसा आनंद प्राप्त होता है। ये फायदा जो ब्रह्मविद ब्रह्मणी ब्रह्मविद ब्रह्मे को भवति, और बाद में उसको भी और समझाएंगे कि वह जो आनंद है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। यो वही उमात सुखम नाते सुखम अस्त, मनुष्य अल्प सुख में कभी भी आनंदित नहीं हो सकता। यो वही उमा सत्सुखम, जो उमा है जो ब्रह्म है जो अनंत है, उसी के द्वारा हमें वह आनंद आनंद मिल सकता है। उस आनंद उस ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद बाकी जो आनंद है वो है क्षणिक आनंद है, वो भी आनंद है पर वो टिकने वाला नहीं, और ये जो ब्रह्म का आनंद है वो टिकने वाला आनंद है। तो इसीलिए कहा स्पर्शेव सत्तात्मा निरस्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अस्तु। बाहर के विषय में अर्थात सांसारिक योग में आसक्ति रहित अंतकरण वाला व्यक्ति अंतकरण में जो भगवत ज्ञान रहित आनंद है सुख है उसको प्राप्त होता है, और वह व्यक्ति सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक आसक्त हुआ अक्षयानंद होता है। तो यह जो व्यक्ति अक्षय आनंद का अनुभव करता है तब करता है जब बाह्य जो पदार्थों का जो ये आनंद मिल रहा है उसके प्रति अनासक्ति उसके मन में आती है, तब जाकर के उसको भीतर का आनंद प्राप्त होता है और तब जाकर के सुखम अक्षय मस्त होता है। तो ये बाहर के जो पदार्थ है उसके प्रति अनासक्ति कैसे है, अभी हमारे लिए बहुत कठिन, उसे हमारी जो हमारा सारा आनंद बाहर
हम लोग समझेंगे कि बाहर के भोगों के प्रति, बाहर के व्यक्तियों के प्रति, बाहर के विषयों के प्रति अनासक्ति जो है जिस व्यक्ति में है, उसी व्यक्ति को इस प्रकार के भीतर आनंद मिलता है, तो उसको तो अक्षय आनंद मिल गया, पर हमको तो अभी वह स्थिति नहीं है, तो उसको स्थिति कैसे प्राप्त हुई, उसका वर्णन अभी अपने श्लोकों में करेंगे। इस प्रकार से वह जो व्यक्ति जो उनका बुद्धिमान है, जो समझ जाता है कि यह बाह्य पदार्थों से कैसे उत्पन्न सकते हैं, उसी समझ बुद्धि के साथ, उसके पास एक विशेष प्रकार की बुद्धि है, वो बुद्धि से उसने समझ लिया और उसके कारण उसने उसके भीतर में उसके प्रति अनासक्ति, वो बुद्धि क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले रविवार को। आज ही समझ